ई इज माइनस डी वी बाई डी आर. माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो प्लस एंड माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आप कोई भी पॉइंट ले यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जैसे 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, हर पॉइंट पर डिफरेंट है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यूज कम होती जाएंगी. मतलब यहां अगर 15 वोल्ट है तो अगले पॉइंट पर ये 14 या 13 निकलेगा, फिर 12, फिर 10 एंड सो ऑन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, पोटेंशियल घटता है. तो रिजल्ट याद रहेगा कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. ठीक, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है. लेकिन ये बात कह के समझ में नहीं आती, क्योंकि बंदा सोचता है कि पता नहीं क्या करवा दिया मुझे. ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं तो एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी आपको. इस रूम में मैंने आपको ये बताया कि इस पॉइंट यहाँ ना चार्जेस हैं, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना, चार्ज है दीवारों पर, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. तो मेरा क्वेश्चन है कि मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू है 15 वोल्ट, यहाँ पे है 14 वोल्ट, यहाँ पे है 13 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट. बोलो ई की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वी, जहां पर वी की वैल्यू क्या होती जा रही है? घट रही है, कम हो रही है. तो कम कहाँ पे हो रही है? इस तरफ. तो ई वेक्टर भी कहाँ होगा? इस तरफ. तो यानी कि पॉजिटिव प्लेट कहाँ मिलेगी? ऊपर. नेगेटिव कहाँ होगी? नीचे. देखो एक सेकंड पता लगता है, वी की वैल्यू आपको बता देती है ई की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन बता देती है आपको वी की वैल्यू, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है. तो अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैं बता सकता हूं कि वी यहां पर डिक्रीज होगा. उल्टा भी ट्रू है, अगर वी यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. क्या रिजल्ट क्लियर है? इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए. मान लो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 5 पे. 2 पे पोटेंशियल की वैल्यू 15 वोल्ट है और 5 पे 12 वोल्ट गिवन है. क्वेश्चन है, इन वैल्यूज को देखते हुए बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू बताओ कितनी है. अब ई का फॉर्मूला है क्या? माइनस डी वी बाई डी आर. पर क्योंकि एक्स एक्सिस में सब कुछ चल रहा है तो डी वी बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स. अगर वाई में चल रहा होता डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी जेड, यहाँ पर एक्स है तो एक्स पुट कर लिया. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. कैसे? ठीक, इंपॉर्टेंट ऐसे है, न्यूमिनेटर में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. आप एक फैसला कर लें कि आप ए से बी पे जाना चाहते हैं या बी से ए पे. तो मान लो मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, अगर मैं अपने मन में ए से बी पे जा रहा हूं तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल. और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल. ठीक है, तो डीवी में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो बोलो क्या आएगा? फाइनल क्या है? 12. इनिशियल क्या है? 15. समझ में आ रहा है? माइनस 12 माइनस 15. डीएक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 में से 2 गया. तो देखो ये टर्म नेगेटिव नेगेटिव अपने आप कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगी और ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1. सही है, यूज करना समझ में आ रहा है. चलो कोई स्टूडेंट कहता है मैं सीधा नहीं गया, मैं तो उल्टा चलता हूं, मैं बी से ए पे जाता हूं, कोई बात नहीं. ये पॉइंट क्या हो गया उसके लिए? इनिशियल. ये क्या हो गया? फाइनल. ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स में, चलो पुट करो माइनस डीवी. डीवी का मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, तो फाइनल 15 माइनस 12, ये रहा. ठीक हो गया, और डिस्टेंस में 2 में से 5 गया. चेक करो आंसर, फिर से 1 आएगा. आप कैसे भी कर ले, आप लेफ्ट से जाएं या राइट से आएं, एक फैसला कर लें, जो करना चाहते हैं कर लें. तो आपको क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल, तो अपने आप ई की वैल्यू आएगी. यूज कैसे करना समझ में आ रहा है? तो अगर आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी, पोटेंशियल की और एक्स की वैल्यू दी जाएगी, तो ई की वैल्यू निकाल लेंगे. सेम विद वाई, सेम विद जेड. लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको ना ऐसे दे देता है वो, वी का फॉर्मूला देगा 3x प्लस 2y माइनस जेड. जैसे इसको इस एग्जांपल से पहले, जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर चौथा ये कराता हूं. जैसे आपको सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया कि वी की वैल्यू मान लो 2x स्क्वायर है, आप ई निकाल लें. तो फॉर्मूला क्या करवाया? माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये करवाया. तो ई विल बी इक्वल टू माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ वी की जगह 2x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करें, आंसर आएगा 4x। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वैल्यू आ गई वी की। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ई वेक्टर माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स चल रहा है तो पीछे कौन सा कैप है? आई कैप। तो सेम रिजल्ट आएगा और फाइनल आंसर आएगा माइनस 4x के पीछे आई कैप, पीछे आई कैप लगा दो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कैसे आता है, v का 5y स्क्वायर और मुझे e निकालना है, तो बोलो रिजल्ट क्या लगेगा? माइनस dv by dy, और वेक्टर फॉर्म में j कैप भी लग जाएगा, ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, j कैप। ठीक, e वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस d by dy ऑफ v की वैल्यू क्या है? 5y स्क्वायर, j कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो e वेक्टर क्या आएगा? माइनस 5 into 2y j कैप। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो v से e कैसे निकलता है? क्लियर है यहां तक? अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपको v सिर्फ x में नहीं दे रहा, x में देता dv by dx हो जाता, y में देता माइनस dv by dy हो जाता, z में देता माइनस dv by dz हो जाता। वो क्या दे रहा है? x में भी, y में भी और z में भी, तीनों में दे दिया। अब अगर तीनों में आएगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, मेन नीट में आया हुआ है, तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। ये फॉर्मूला बुकलेट में, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें, ये फॉर्मूला नोट कर लें कि ई वेक्टर की वैल्यू माइनस, ये डी नहीं है, ये अलग किस्म का डी है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। डी एक्स डी वी बाई डी एक्स आई कैप, डी वी बाई डी वाई जे कैप और डी वी बाई डी जेड के कैप। इसको कैसे करना है अभी समझाता हूँ, ये नोट कर लें पहले फॉर्मूला। ठीक, फुल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में एक थोड़ा सा अंतर है, वो एक लाइन में समझाता हूं, फिर क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक है, देखो तो फुल डेरिवेटिव और पार्शियल में ही अंतर है। अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, v की वैल्यू इज इक्वल टू, या सपोज मैं सॉल्व करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, मैं ये सॉल्व करता हूं, फुल डेरिवेटिव है d, तो फुल डेरिवेटिव x और y दोनों को वेरिएबल मानता है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो u into v का फॉर्मूला यहां पर लग गया, कोई डाउट है इसमें? लेकिन अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव होता d by dx ऑफ, ये सिंबल देख लो पार्शियल का, सेम क्वेश्चन है, पार्शियल ये कहता है क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, x के अलावा कोई भी चीज मुझे दिख गई वो कांस्टेंट है, चाहे y दिख गया y कांस्टेंट है पार्शियल में, तो y कांस्टेंट है, y बाहर आ गया, क्या दिखा? dx by dx जो कि क्या है? 1, आंसर y है, ये फर्क है, ये हर चीज को वेरिएबल मान लेता है, और ये अगर x के साथ डिफरेंशिएशन है तो x ही वेरिएबल है, बाकी सब बाहर निकालो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक, जैसे अगर मान लो पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसका? x, y और z का, तो ये क्या करेगा? y और z को कांस्टेंट कर लेगा, dx by dx की वैल्यू क्या पुट कर लेगा? आंसर y into z हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, जैसे अगर मान लो अब आपको v का फॉर्मूला x y z में आ गया, अब मेरी समस्या समझो, मैं e को लिख नहीं सकता माइनस dv बाई dx या y या z, क्योंकि तीनों चीजें चल रही हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? d, तीनों चीजें लिखूंगा ऐसे, तो v का, v ये जो फॉर्मूला है, v की वैल्यू को इसमें, इसमें और इसमें पुट कर दे, तीनों जगह कर दिया पुट, चेक करो बाकी एज इट इज। अब सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये देखो क्योंकि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये 3x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने का फायदा नहीं है क्योंकि x के साथ डिफरेंशिएशन है, y z कांस्टेंट है 0, फिर ऐसे ही y के साथ डिफरेंशिएशन है तो ये कांस्टेंट ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? 2y, ऐसे ही इसको करने का फायदा नहीं तो सिर्फ z आएगा, क्लियर है यहां तक? फिर 3 बाहर आ गया, dx by dx 1 है, 2 बाहर आ गया, dy by dy 1 है, माइनस 1 बाहर आ गया, डी जेड बाई डी जेड 1 है, तो माइनस साइन एडजस्ट होके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर।